नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न ने हमसे कहा कि एक समकोण त्रिभुज है, तो हम यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, इसके हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, अब उसने कहा कि एक समकोण त्रिभुज का आधार, अब इस समकोण त्रिभुज में जो कोण बनता है, कोण के सामने की भुजा जो होती है वह कहलाती है कर्ण। ठीक है, 90 डिग्री का जहां एंगल बने उस एंगल के सामने की भुजा कर्ण यानी हाइपोटेनियस, जो नीचे रहेगा उसको हम बोलते हैं आधार, जो नीचे रहेगा उसको हम बोलेंगे आधार, और जो यहाँ पर लंबवत रहेगा उसको हम बोलते हैं लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इसकी कहानी रहती है। तो हमने ये तीनों चीजें लिख दी हैं। अब उसने आधार दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी आधार है 12 सेंटीमीटर और कर्ण है 13 सेंटीमीटर, ये उसने दिया है। हमें मान लेते हैं जो लंब है वो हमारा है एक्स सेंटीमीटर, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया है। अब आगे बढ़ेंगे, क्या क्या है हमारे पास, एसी जो कि कर्ण है कितना है 13 सेंटीमीटर, बीसी जो कि आधार है यह है 12 सेंटीमीटर, और ए और बी, ए हमने माना है लंब, ए हमने मान लिया है एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, हमने तीनों चीजें यहां पर लिख ली हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जब समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। क्या कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय। इसका कहना होता है कि जो कर्ण होता है इसका वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसका यही कथन होता है कि जो हमारा 90 डिग्री के एंगल के सामने की भुजा है इसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल होता है। अब कर्ण, कर्ण है 13 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर, लंब है हमारा एक्स तो एक्स का स्क्वायर, और आधार है 12 तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, 12 का स्क्वायर 144 आएगा, 144 को साइड भेज देंगे तो 169 माइनस 144 बराबर एक्स स्क्वायर, 169 में से 144 जाएंगे, 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा 2, 1 से बन जाएगा कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 25 है तो x बराबर कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो लंब है इस लंब की लंबाई या ऊंचाई निकल के आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज भी कौन सा है, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगेगा, 1/2 लंब गुणे आधार, ये लगेगा 1/2 लंब निकल के आया 5 और आधार था 12, काट देंगे 6 बार जाएगा और 6×5=30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जो भुजाएं दी गई हैं हम उनको लिखेंगे, उन दो भुजाओं में देखेंगे तीसरी भुजा कौन सी नहीं है, उसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज ही इसलिए होता है कि अगर हमको कोई भी दो भुजा दी गई हो और हमें तीसरी भुजा निकालना हो तो हम इसकी सहायता से आसानी से निकाल लेते हैं। जब हमारी भुजा आ गई फिर हम लगा देंगे त्रिभुज का सूत्र, और त्रिभुज भी कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, यहां पर लिख भी लीजिए
ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटे दो आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणे लंब। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी, हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।